راهی آج را. धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्री करमजीत जी इंसा धर्मकोट भजन सुना रहे हैं। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसा भजन सुनाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर प्रेम तेरा पाके ये दीवाने, जीते रहे हैं जीते रहे सतगुर प्रेम तेरा पाके ये दीवाने, जीते रहे हैं जीते रहेंगे सतगुर। क्षमा पे आशिक हो परवाने, आते रहे हैं आते जब हमने दर्शन पाया, रू मस्ती में आके गाती रही, मेरा सच खंड तू अनामी तू, ये कह के रू मुस्काती रही। हम पापी सही अवगण हारे, पर दया तुम्हारी बचाती रही। एक पल भी दूर न करना हमें, रू चरणों में अर्ज सुना है रही। ओ सतगुर प्यार दिया इतना, हम सब कुछ ही है भूल गए। दिन रात की हमको खबर नहीं, तेरे प्यार में इतना झूम गए। लोग पागल कहें या दीवाने, हम तेरे चरणों की बन भूल गए। बस धूल की ये तमन्ना है, तेरे चरणों में ही ये घुल जाए। ओ सतगुर प्रेम तेरा पाके ये दीवाने, जीते रहे हैं जीते रहेंगे सतगुरु।
किसी का शिष्य है, हम एक पल नहीं है जी सकते, रहे सामने आँखों के सतगुरु, हम आपके बिन नहीं जी सकते। मेरी नैया के पतवार तुम्हें, तेरे बिन नहीं हम तर सकते, जैसे मछली पानी बिन तड़पे, ऐसे आपके बिन नहीं रह सकते। ओ सतगुरु, सतनाम जी है अर्ज यही, चरणों का सेवक बनाए रखना, तेरे दर्शन पाकर जीते हैं हम, जीने का ढंग सिखाए रखना, हमें पशु से बंदे बनाया है, इन बंदों को चरनी लगाए रखना, आप युग युग रहो सलामत जी, हमें अपने हुक्म में चलाए रखना। सतगुरु प्रेम तेरा पाके ये दीवाने जीते रहे हैं, जीते रहेंगे सतगुरु, क्षमा पे आशिक हो परवाने आते रहे हैं, आते रहेंगे सतगुरु। तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैनू भुले ना सिरजन हारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना, मैनू भुले ना सिरजन हारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना सिरजन जावे मैनू मैं ते मेरी, भुले ना मैनू सूरत तेरी, तैनू भुले मेरा होवे ना गुजारा, भुल जावे सारी दुनिया भुले ना सिरजन हारा। भुल जावा मैं हस्ती ते बस्ती, चढ़ी रहे नशा प्रेम दा है सब तो न्यारा, भुल
जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना सिरजण सतनाम जी अर्ज करें दे भुलिए ना असी उठ दे पेंदे गुरु पिता बड़ा पर उपकारा भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना सिरजण हारा मैनू भुले ना सिरजण हारा भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना शास्त नाम जी प्यारा मालिक की प्यारी सत्संग जी देश विदेश के अगर कोई विदेशों से कोई सत्संगत आई है बात करना चाहती है तो अपनी जगह पे खड़े होके आप बात कर सकते हैं विदेशों की सत्संगत बाहर के मुल्क से अगर कोई आए हैं सज्जन अपनी जगह पे खड़े हो जाएं बात करना चाहते हैं तो उनकी बात करवा दीजिए बाहर के देश से जो आए हैं बाकी बैठ जाएं दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा पिता जी मैं अवतार इंसान आप जी का बच्चा पिता जी इटली तो आया जी जी बेटा ते पिता जी सब तो पहला मैं जर्मन काम कर रहा हूं जर्मन तो इटली आया इटली तो इत्थे आया जी, जी। पिता जी जर्मन की साध संगत वालों प्रेमी रमेश कंसल जी उन्होंने परिवार वालों ते जर्मन की समूह साध संगत वालों आप जी नारा प्रवान करना जी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा जी बेटा पिता जी इटली तो प्रेमी इकबाल जी इंसान उन्होंने परिवार उन्होंने ब्रदर हरजिंदर इंसान उन्होंने परिवार ते ब्रेशिया तो प्रेमी विकी शर्मा हरमेल इंसान ते इटली की समूह साध संगत ने पिता जी नारा भेजा प्रवान करना जी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा जी बेटा आशीर्वाद पिता जी आप जी के चरणों च बेनती है जी पिता जी मैं सारा कुछ छड़ के आप जी के चरणों च आया जी पिता जी मेरी कोई औकात नहीं मैं तो आप जी का ओढ़ते आसरा लैके आप जी के चरणों का सहारा लैके पिता जी आया और इत्थे रह के ही आप जी के दरबार की आप जी साध संगत की सेवा करना चाहना जी पिता जी रहमत करना पिता जी मेरे परिवार का मेरे काम कार का इस तरह का सर्कल बना दियो कि आप जी के दरबार के नाल आना जाना लग्या रहे सेवा करता रहा सिमरन करता रहा आप जी दरबार की बद तो बद सेवा कमाव पिता जी मेरी कोई औकात नहीं आप रहमत करना दया मेहर करना पिता जी अपने दास दे उत्ते आप जी दया मेहर रखना पिता जी इस तरह जी जी बेटा आशीर्वाद और तुसीं एडम ब्लॉक च मिलियो बेटा आशीर्वाद पिता जी एक छोटा जा शेर आप जी अर्ज करना चाहना जी जी जिंदगी वीरान थी हमारी और ना ही जीने का ढंग था हमें आपके प्रेम ने हमें जीना सिखा दिया फैला रहे थे दामन हम कभी इस दर तो कभी उस दर
आपके नाम रूपी पारस ने हमें सोना बना दिया। ऐ मेरे मुर्शिदे कामिल, आपकी रहमतों का कहां तक करूं बयां। ऐ मेरे मुर्शिदे कामिल, आपकी रहमतों का कहां तक करूं बयां। आपने तो भिखारी को ताज पहना दिया, आपने तो भिखारी को ताज पहना दिया। दान दान सतगुरु तेरा ही करने वाले हैं बेटा, वही सब कुछ करते हैं, आशीर्वाद बेटा। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मेरा नाम दीपक इंसान, मैं इटली तो तारा चीना तो आया। पिताजी पिताजी इटली की साध संगत भाई श्याम लाल जी, भाई नरिंदर जी परिवार वालों पिताजी नारा कबूल करो। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी सब तो पहला मैं माफ करो, पिता मैं एक महीना हो गया इटली तो आए पिताजी डेरे में अच आया पिता दर्शन करने लिए। पिताजी पिताजी मैं एक महीना हो गया पिताजी मैं इटली गया जी। पिताजी एक 15 दिन बाद पिताजी मैं वापस आ गया जी। पिताजी उतों की साध संगत ने मेरी बहुत मदद की पिताजी, पर मैं उन्होंने कोई गुण नहीं पाया पिताजी। पिताजी हूं मैं 29 अप्रैल तो बाद वापस जाना पिताजी, पिताजी रहमत करो पिताजी मैनू बख्शो पिताजी जी। बेटा सिमण करियो बचना तेरे हो और मालक रहमत करता है, नारा लगा दो पिछलो माफ बेटा। पिताजी भाई नरिंदर जी भाई पिताजी 29 अप्रैल आ रहे ने इंडिया पिताजी, पिता रहमत करो इंडिया आ जाने पिताजी नाल ही जाना पिताजी जी। बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। और इधर बहनों की तरफ तो कोई नहीं, विदेशों से कोई आया हो, बाहर के मुल्क से बात करना चाहते हैं जी, माइक दे दें भाई। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आपकी बेटी गुरदीप कौर अंसा अजमान सिटी दुबई तो बोल रही हूं पिताजी जी। बेटा पिताजी एक तो आप जी की रहमत का करिश्मा सुना चाहनी, एक गल करना चाहनी जी। बेटा पिताजी एक बार आप जी के बहुत वधिया दर्शन होए पिताजी, मेरी बहुत इच्छा सी कि आप जी के चरण स्पर्श करा पिताजी। पिताजी आप जी एक छोटा जा कमरा ओदे मूहरे खड़े सी पिताजी, पिताजी मैं आप जी के चरण स्पर्श किते, आप जी ने मेनू अपनी छाती नाल ला लिया पिताजी। और पिताजी आप जी ने जो छाती नाल लगाया मेरे पूरे शरीर चो करंट जिहा महसूस होया पिताजी जी। बेटा और पिताजी 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 हिम्मत देना पिताजी जी। बेटा आशीर्वाद। और पिताजी जो फिर तुसी अंदर चले गए और आप जी ने पवित्र जुत्ती उतारी पिताजी, मैं उत्थे फिर सजदा कीता और पिताजी फिर भी मेनू ओही करंट महसूस होया पिताजी जी। और पिताजी इसे तरह रहमत बनाए रखना और अपना प्रेम बख्शना पिताजी जी। बेटा मालिक ही खुशियां बख्शदा बेटा, वही दर्शन दिंदा है, वही रहमत लुटाउंदा है, इसका खास सारा बेटा सिमरन करदे रहो, मालिक जरूर खुशियां बख्शदे। होर कोई गल बेटा? हां जी पिताजी, पिछली बार जो जामिया अंसा मनाया सी पिताजी असि उत्थे सी पिताजी, तुसी जानी जाना पिताजी असि किन्ना तड़ पे सी जी। बेटा जी बेटा इस बार भी पिताजी जो ओली बनाई असि बहुत तड़पे सी पिताजी, इस बार छुट्टियां तो पिताजी कल खत्म हो गया बेटी दियां पिताजी, पर इस बार असि जामे अंसा दा प्रोग्राम देख के जावांगे पिताजी जी। बेटा मालिक जरूर खुशियां बख्शू बेटा, रहमत करना पिताजी, ओली जरूर खेडना पिताजी साडे नाल जरूर देखांगे बेटा समय दे किदां। और पिताजी जरूर बेटा जरूर बेटा, पिताजी भैणा दा जिहड़ा कल वर्ल्ड कप जित के आईआं जी, उहनां लई असीं 5100 रुपया पिताजी भलाई फंड जमां जी। बेटा आशीर्वाद जरूर बेटा, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा जी। बेटा मालिक खुशियां बख्शे दिया मेरे रहमत नाल नवाजे बेटा, बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। और अब जो लाइव हैं जी कैलगरी कनाडा से अमनदीप इंसान, कैलगरी कनाडा से ही जसवीर इंसान अलग अलग बैठे हैं, तो बात करवाएं भाई, बोलो बेटा जल्दी से बात करो। अमनदीप इंसान, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आप जी का बेटा अमनदीप इंसान कैलगरी कनाडा तो बोल रहा हूँ पिताजी जी। मेरा परिवार नारा बोले है पिताजी कबूल करना पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। हां जी पिताजी असि पिछले साल इंडिया आए थे पिताजी, और पिताजी आप जी ने आप जी के लिए एक छोटा जा ना चीज का पिताजी तोहफा लेके आए थे पिताजी, और पिताजी आप दे लिए तोहफे के लिए अर्जी की पिताजी, आप जी ने कहा बेटा अभी नहीं ला सकते था पिताजी, सारे ब्लॉक की संगत ने पिताजी आप जी दे अगे अर्ज की पिताजी, और आप जी ने तोहफा कबूल किया पिताजी। और पिताजी फिर आप जी ने वचन फरमाए थे बेटा अभी भी थानू कोई खास चीज देना चाहते हैं पिताजी,
ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਝੋਲੀ ਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿਮਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਛਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਓ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੋਰ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨੀ? ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਜੇ ਨਾਮ ਨੀ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸੱਤ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ, ਬੈਂਕ ਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਦਰਬਾਰ ਚ ਖੜੇ ਹਨ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਵਾਮਾ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਪਾ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਿਓ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਨਾਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਇਨਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਿਆ ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ DVD ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚੋਜ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਚਟਨੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ DVD ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ DVD ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਊ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਬਣ ਕੇ ਵੈਸੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਲ ਦੀ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਚਮਕਾਂ ਦੀ ਲਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਾ ਪਤਾ ਬੇਬਾ ਅੱਗੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਬੇਟਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਝ ਨੀ ਆਈ ਬੇਟਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਲਿਓ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਾ ਦੇ ਬੇਟਾ। ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਜੀ ਬੇਟਾ। ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਓ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸਿਮਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ
और नाम जप के अरदास करो बेटा, बचना दे रहो आशीर्वाद। धन धन सतगुरु पिता जी, धन सतगुरु तेरा ही आशा जी बेटा आशीर्वाद। सुप्यारी सत्संगत जी, ये विदेशों से बात कर रही थी सत्संगत। अब है जी सर्वजीत कौर कैलिफोर्निया यूएसए से ये लाइव मैसेज भेज रहे। प्यारे पिता, मेरे पति हरवंश सिंह का शुगर के कारण लेफ्ट पैर खराब हो गया जी। डॉक्टरों ने इंजेक्शन के कारण उनके पैर की 5 उंगलियां काट दी हैं जी। डॉक्टरों ने कहा है कि शायद पैर को घुटने तक काटना पड़े। डॉक्टरों को इसके बारे में कल बताना है जी। दया में रहमत करो ताकि पैर ना काटना पड़े जी। बेटा सारे परिवार वाले सिमरन करो, इकट्ठे बैठ के अरदास करो, दिन रात सिमरन करो, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करें। विदेश जाना चाहते हैं विजयपाल इंसान, जॉर्जिया यूरोप जा रहे हैं जी बेटा आशीर्वाद। सिमरन करते रहना, मालिक साथ है बेटा। और एन ब्लॉक के कमरा नंबर 6 में मिलके जाना आशीर्वाद बेटा। चोड़ा छोड़ने वाले परिवार हैं जिनके परिवार में किसी की मौत होगी। बरवाड़ा हिसार से इनके पति ने चोड़ा छोड़ा नाम लिया तो उम्र 40 साल, परिवार दोनों तरफ आया है। उनकी याद में दिन दुखी मध्य में बैंक में 2100 रुपए जमा करवा रहे हैं आशीर्वाद। खड़े हो जाए परिवार, खड़े रहना है। अगला परिवार मल्लिका सरसा तो आए, इन्होंने माता ने चोड़ा छोड़े नाम लिया, उम्र 75 साल, परिवार दोनों तरफ आया है। नेत्रदान भी किए हैं, सो नेत्रदान महादान। और दिन दुखी मध्य बैंक में 1100 रुपए जमा करवाए आशीर्वाद। अगला परिवार फतेहाबाद से, इनके माता ने छोड़ा छोड़ा नाम लिया तो उम्र 52 साल, परिवार दोनों तरफ आया है आशीर्वाद। सो बेटा जिसने नाम लिया होता है उस आत्मा को मालिक जियो तो निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही लेके जाता है। अस्थियां फुल लेके आए हूं, या तो खुद का कहते तो गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या फिर किसी बड़ी नहर नदी में नार लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है। आत्मा को जो मालिक निज घर लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। इधर भी प्रसाद ले लो बेटा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है। सेवा समिति के 8 भाइयों व 9-25 मेंबरों की शिफ्ट पूरी होगी, घर जाना है जी। जी बेटा आशीर्वाद। सारे परिवारों को आशीर्वाद कहना, कहना बिजने आशीर्वाद भेजा, घरों के लिए प्रसाद ले जाना। मालिक जितनी सेवा की उसे बढ़ चढ़ के दिया, मैं रहमत से आप सबको नवाजे आशीर्वाद। तो जो भी साथ संगत आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयनु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना है, बैठे रहना है, उसके बाद जैसा आपका विचार। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा, बैठे रहिएगा जी।